रायसेन मुख्यालय स्थित एग्रीकल्चर वेयरहाउस पर किसानों का हजारों क्विंटल गेहूं बर्बादी के कगार पर है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भी खुले आसमान के नीचे गेहूं के ढेर लगवा दिए हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भी किसानों का समर्थन मूल्य का खरीदी के लिए आया हुआ गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। किसानों का हजारों क्विंटल गेहूं भारी बरसात में भीगता हुआ देखा जा सकता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भी प्रशासन द्वारा और वेयर हाउस संचालकों द्वारा कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई? ऐसे में हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यह सवाल अब भी बना हुआ है। ऐसे में वेयरहाउस संचालकों की मनमानी देखकर साफ तौर पर यही लगता है कि उन्हें प्रशासन का कोई डर नहीं है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।